हेलो दोस्तों, वेलकम टू वाइनिक जीपीएस। आज हम इंस्टॉलेशन करने जा रहे हैं हाइबर ट्रक में, तो आइए देखते हैं इसका इंस्टॉलेशन वीडियो। तो इसका जो स्टेयरिंग होता है, इसके अंदर आज इंस्टॉलेशन करेंगे। तो इस पैनल को खोल लेते हैं, चलिए। तो ये रहा पैनल। पैनल में ऊपर इसकी साइड में दो नटें होती है, एक दो, और शायद नीचे की साइड भी दो नटें होती है। देखिए, ये नीचे में दो नट रहती है, इसे भी खोल लेंगे। और साइड पैनल में यहाँ भी दो नट रहती है, एक इस साइड और एक इस साइड, इस दोनों नटों को भी खोल लेंगे। अब खोलने के बाद जैसे ही खुल जाता सारे नट, तो इस पैनल के ढक्कन को जैसे आराम से खींचेंगे तो पूरा पैनल बाहर आ जाएगा। तो इस पैनल को बाहर निकालते हैं जी। ये देखिए, तो ये जो चाबी का कपलर गिया हुआ, उस कपलर में ही मेन डायरेक्ट वायर आती है, तो उसी वायर में हमने सप्लाई जाना है। तो ठीक है, इस वायर को देखते हैं। ये देखिए, अंदर से नीचे से गया हुआ वायर है जी। ये देखिए, दो कपलर यहाँ दिख रहा है, इसी में हमारी एक डायरेक्ट वायर होगी और एक एसीसी की वायर होगी। इसी वायर को हम मल्टीमीटर से चेक करेंगे। तो चलिए, मल्टीमीटर ले लिए हैं। मल्टीमीटर को 20 में पहले सेट करेंगे और मल्टीमीटर का एक बॉडी अर्थ देंगे। ठीक है, बॉडी अर्थ देने के बाद अब चेक करते हैं हमारी डायरेक्ट वायर कौन सी है। ठीक है, तो इतना तो कन्फर्म है कि रेड वाले में डायरेक्ट वायर आती है, तो फिर भी एक बार कन्फर्म के लिए मल्टीमीटर से चेक कर लेते हैं। रेड वाली जी, देखिए रेड वाली में, रेड वाली हमारी डायरेक्ट है। इसका कपलर निकाल के देखते एक बार जी। रेड में 12 वोल्ट आ रहा, मतलब रेड हमारी डायरेक्ट है जी। ये रेड हमारी कंफर्म, ये डायरेक्ट वायर है। अब एसीसी की वायर चेक करते हैं। तो पहले चाबी ऑन करते हैं। चाबी ऑन हो गया, एक बार चाबी ऑन करके रेड वाले में देखिए, रेड में 12 आ रही है जी। अब उसके ठीक बगल वाला वायर में एक बार देखिए, चेक करके येलो वाली में देख जी, चाबी ऑन करें तो येलो वाला में भी 12 आ रहा है, मतलब ये हमारा एसीसी का वायर है। ये देखिए, एक बार चाबी ऑफ करके देख लेते हैं। चाबी ऑफ करके देखते हैं, 0 जी, यही वाला हमारा एसीसी का वायर है, ठीक उसके बगल वाला। तो इसी में वायरिंग होगी। चलिए, इसे पहले स्लाइस करते हैं अच्छी तरह से। तो ये रहा हमारा जीपीएस माइनस कंपनी का, जिसमें जीपीएस का वायर होता है नॉर्मली, आप देखिए होंगे। और एक सिम प्रोवाइड करते हैं हम, और एक वाइनेस कंपनी की जीपीएस होती है। ठीक है, तो इसे हम इंस्टॉल करेंगे। तो चलिए देखते हैं इसकी वायरिंग। नॉर्मली जीपीएस में तो 4 तारे होती है, तो आपको पता ही होगा, जिसमें से रेड वाली डायरेक्ट में जाएगी और ये जो ऑरेंज वाली है ये हमारी एसीसी में चल जाएगी, और येलो, जैसे येलो वाली जो वायर आती है ना, ये हम इंजन कटआउट जब करते हैं तो उसमें लगती है, अभी इसमें इंजन कटआउट नहीं है। और ये ब्लैक वाली हमारी बॉडी अर्थ में चल जाएगी। तो चलिए, इसको पहले तार को स्लाइस करके करते कनेक्शन। तार को अच्छी तरह से स्लाइस करें, याद रहे वायर को काटे ना, स्लाइस करें सिर्फ थोड़ा सा। चलिए, इसमें स्लाइस होकर अच्छी तरह से तार को जॉइंट कर देते हैं। ये जी, किस तार अच्छी। अब जॉइंट करने के बाद अच्छी तरह से टेपिंग कर दे, देखें कहीं कट वगैरह ना हो, और जीपीएस का वायर लेके जीपीएस को उसमें फिट करेंगे। और जैसे ही फिट होगा तो जीपीएस में लाइट आ जाएगी, लाइट आ गई मतलब आपका जीपीएस ऑनलाइन है। ऑनलाइन आने के बाद उसे अच्छी तरह से फिट कर देंगे, सारी नट कसने के बाद उसे अच्छी तरह से फिट कर देंगे। और याद रहे, जीपीएस से रिलेटेड कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप हमारे टोल फ्री नंबर पर कॉल कर सकते हैं। थैंक यू। कोई भी कंपनी का जीपीएस अगर आप ऑन करना चाहते हैं तो उसे आप हमारे सॉफ्टवेयर से चला सकते हैं।